तोड़ तोड़ वाला एडवेंचर है साला, रास्ता हो गया है। अब इधर रास्ते से कोई घूमने आएगा ना भाई, बिना नहाए धो ही आना पता तो। और एक आध बार ऐसा हुआ था बहुत सारा। अरे क्या बात करते हो। तो भैंसा सूर जी आप बताना चाहेंगे कि ये एरिया आपको कैसा लगता है? नॉट इंटरेस्टेड? आता भी होगा तो फिर बताना। अरे भाई साहब क्या बड़ौदा डैम कहते दहाने जी कत्ती हावे जी नहीं जा रही गई। सीधा जाना है। हाँ, बाकी चुप है ना। हाँ, इधर से आए और किधर से गए थे और किधर से वापस आ गए। अरे यार व्लॉग चालू करने से पहले ही गाड़ी में ब्लिंकिंग शुरू हो गया है। पहले अपन पेट्रोल डलवाते हैं फिर अपन व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ओ वाओ, क्या आपके पेट्रोल में पावर है? नहीं है। तो फाइनली अपन ने भाई साहब फ्यूल तो डलवा लिया है, अब चलते हैं अपने लोकेशन में। फिलहाल तो अभी अपने को सुपेला जाना है, थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद अपने लोकेशन में जाना है। अब पता नहीं लोकेशन क्या है, हमको नहीं पता है। तो फिर देखते हैं क्या है लोकेशन, पता कर लेंगे क्या है। मेरे को कभी भी पता ही नहीं रहता कि मेरा लोकेशन क्या होने वाला है। अपने दोस्त लोग बताते हैं ऐसा लोकेशन है, फिर मैं चले जाता हूँ, बस चले जाता हूँ। अब अपना फेवरेट अंडर ब्रिज आ रहा है तो फिर यहाँ पे अपन लोग कुछ ना कुछ करके ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साउंड ना बहुत ज़्यादा गूंजता है। ये हर अपना जो भाई है जानता होगा। तो भाई साहब ऐसे ही मज़ा करते रहो, ऐसे ही मज़ा करने में मज़ा आता है। क्या अपने अंदर के बचपना को हमेशा जगा के रखना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। बचपना रहती है ना तो अपन हर चीज़ को खुशी खुशी टैकल कर सकते हैं, हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को। हाँ, आप कितने भी बड़े हो जाओ भाई, लेकिन अपने जो अंदर का जो बचपना है ना उसको कभी ख़त्म होने मत देना। ये लाइफ का सबसे बड़ा बोल सकता हूँ फैक्ट है, अपना ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। आप लोग बोल रहे होगे साला इतना छोटा बड़ा बड़ा ज्ञान फैल रहा है, लेकिन है भाई सही चीज है। तो भाई साहब ब्रेक के अपन लीवर्स ले लिए हैं दो ठन, और क्या लिए हैं भाई? तो राहुल भैया हमारे यामाहा ल्यूब वाले, राहुल भैया हमारे यामाहा ल्यूब वाले। ओहो, तो टोटल बिल अपना बना है पता नहीं कितना बना है। हम लोग को क्या सर्विसिंग करवाना था लेकिन अपॉइंटमेंट इतना है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। ओ 922 रुपया, इतना ज़्यादा भीड़ है ना। हाँ, अभी सबकी लाइन लगी पड़ी है। तो फिर अपना ने सोचा कि ऑयल ही पकड़ के ले जाते हैं, फिर करवा लेंगे कहीं से भी शॉप से अपन भाई। तो फिर अरे भाई जियो का ऑफिस तो यहाँ पे है, कोई बताएगा हमें कि सुपेला में एयरटेल का ऑफिस, सॉरी जियो का ऑफिस कहाँ पे है? ये बस एयरटेल हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर संडे को बंद रहता लग रहे थे, है ना? जब एयरटेल बंद है तो भी सब बंद होगा। तो हेलो भाई लोग, 1 2 3 माइक चेक। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या आप सबको? अच्छा सुनाई दे रहा है, ऑन हो गया भाई। ओह वेरी गुड। तो भाई साहब कल अपन लोग निकले थे लेकिन डेस्टिनेशन में पहुँच नहीं पाए थे। आज है दूसरा दिन और आज हम ज़रूर पहुँचेंगे। कल जाते जाते शाम हो गया था ना, प्लस अपने साथ कुछ ऐसा घटना या कांड बोल सकते हैं कांड हो गया था जिसके कारण अपन लोग पहुंच नहीं पाए थे लोकेशन पे, लेकिन आज अपन लोग जरूर जाएंगे। कैसे डॉक्टर साहब? यो, अपन लोग आज लोकेशन में ज़रूर जाएंगे। तो चलो चलते हैं, लोकेशन में पहुंचते हैं फिर दिखाते हैं। भाई अच्छे से बैठो। ये अरे कैसे कर रहा है गाड़ी? अरे अरे ये चक्का कैसे उठ रहा है? अरे भाई मत उठ यार, मेरे डर लगता है। कैसे कर रहा है यार भाई जाने के लिए? मैं गाड़ी इतना एक्साइटेड है। शांत बेटा शांत, चलो चलेंगे, टेंशन मत ले, ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ कर भाई, डर लगता है मेरे को। तो भाई साहब ये मैत्री गार्डन जाने वाला रोड है राइट में, लेकिन अपन लोग इधर नहीं जाने वाले, सीधा जाने वाले हैं। अब पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, इन लोग को लोकेशन पता है, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे हम लोग। लेकिन आज तो पक्का जा के रहूँगा क्योंकि कल इधर उधर हो गया था, लेकिन आज मैं जाऊँगा, जा के ही रहूँगा। तो ये वाले रोड से अपन को जाना है राइट। अरे अरे जाइए जाइए जाइए, आपको बहुत जल्दी आ जाइए जाइए। अरे बाप रे, तो इधर बहुत ही ज़्यादा धूल है भाई साहब। वॉक्सवैगन पोलो, इधर बहुत ही ताबड़तोड़ वाला रास्ता होने वाला है। देख के तो लग रहा है भाई साहब कि हम पूरे धूल से नहाने वाले हैं, इसीलिए मैंने आज ब्लैक वाला जीन्स पहन के
राइडिंग करना चूज किया है क्योंकि क्योंकि हमारे आगे है बहुत ही ज़्यादा धूल वाला गाड़ी। तो भाई साहब तैयार हो जाओ देखने के लिए, आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला हूँ बहुत ही गंदे तरीके से वाले। ओहो भाई साहब मैं आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला हूँ ऐसा सोच रहा था, लेकिन पता चल रहा है मैं पूरे गाड़ी में पूरा। अरे भाई साहब तो रास्ता कितना खतरनाक है, एकदम ही ताबड़तोड़ वाला एडवेंचरस वाला रास्ता हो गया है। अरे ओ अरे भाई साहब ये बहुत बढ़िया जगह ला दिया भाई अलग तो। जब भी इधर रास्ते से कोई घूमने आएगा ना भाई बिना नहाए धोए ही आना, पता चल रहा है आके मेरे को गाली दे रहा हो, हमेशा बिना नहाए धोए ही आना इस रास्ते से, समझ रहे हो? जो भी नहा धो के आया उसको समझ जाओ डबल नहाना एकदम कंपलसरी है। हम तो बेच रहे हम ऐसे नहाते हैं नहीं, लेकिन ठीक है अपने जो भी भाई लोग आते हैं नहा बिना नहा ही आना ठीक है। ओहो अरे भाई मैं दोस्त लोग इधर आए थे लोग मेरे रूम में मेरे भाई लोग, तो फिर इधर का रास्ता मेरे को सजेस्ट किए थे वीडियो बनाना करके, देखते हैं आगे जाके कुछ अच्छा सा मिलेगा कि नहीं। ओह अरे भाई अरे बाप अच्छा किया कि सुपर स्प्लेंडर में आया हूँ, आर 5 में आते तो फिर तो लगा पड़ा रहता उसका। इसके लिए हमारी बाइक ही सही है भाई, इंसान रास्तों को एक्सप्लोर करना ही तो हमारा काम है। ऐसे लगता है कभी कभी एक्सप्लोर करते करते मैं इस दुनिया से गायब ना हो जाऊँ भाई। तो ये है ओहो ये पुल नहीं हो सकता वो तो, अरे यार बहुत ही बढ़िया जगह है आज सर। हाँ उधर प्लांट साइड जाना है बोला था वो। अरे आगे तो पूरा माहौल है ही माहौल भाई साहब, स्कूल के बच्चे लोग कहाँ यहाँ कहाँ। अरे वाह ओहो यहाँ पर अपने दादाजी दिखे, मेरे को लगा कि उनसे पूछ लेना चाहिए कि कौन सा बांध है। चलो दादाजी से पूछ लेते हैं ये कौन सा बांध है दादा, ये बांध के का नाम है कथो। अच्छा मरोदा बांध कथे नहीं ला, और कितना कान फंसा है दादा? नहीं खावे नहीं कर रहा है तो अभी बैठा हूँ 10 मिनट हो रहा। अरे कितना 10 ही मिनट हुआ है तो, और एक आध बार ऐसा हुआ था बहुत सारा कुछ नहीं है खा ही नहीं रहा है ना। अरे बस यही टाइम पास अकेले अकेले थोड़ा देर और देख लेता हूँ, कुछ नहीं है बहुत लॉर्ड है। हाँ मरोदा, अच्छा मरोदा वाला डैम इसी को बोलते हैं। ठीक ठीक धन्यवाद दादा, चलो चले। अरे यार मेरे को बताया गया था मरोदा डैम है करके लेकिन मैं भूल गया था। तू भी फोटो खींच इसका कर देगा तब तो चल यार। तो फिर थंबनेल बनाते हैं, तो थंबनेल बनाने के लिए क्या किया जाए, तो के लिए क्या किया जाए। तो चल यार फोटो खींच। तो भाई साहब कितना खूबसूरत लग रहा है यार मरोदा डैम। हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोगों को पता ही होगा कि ऐसे डैम और पानी वाले जगह के बगल में बैठने में कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो भाई साहब जो भी अपन छत्तीसगढ़ से बाहर देख रहे हैं जिन लोग के यहाँ ऐसा नहीं है ना वो लोग एक बार छत्तीसगढ़ विजिट करने ज़रूर आना, क्योंकि हम लोग का छत्तीसगढ़ इसी चीज़ के लिए तो फेमस है भाई। हमारे साथ ही ऐसा कांड होता है भाई। अरे भैया 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 लोग फुल ऑन मछली पकड़ रहे हैं, रात के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा उनका बिल्कुल हो जाएगा। अरे भाई साहब उधर पूरा BSP है भिलाई स्टील प्लांट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। कौन बोलता है कि मुर्रा डालने से मछली आता है? क्या बात करता है। तो भाई साहब यहाँ का सीन देख लो भाई यार, तो कैसा लगा राहुल बताओ? वहाँ पे नाव में सवारी कर रहे हैं कुछ कुछ, क्या मछली पकड़ रहे हैं आई थिंक। अरे पूरा जितना भी बड़ा लग रहा है ना भिलाई स्टील प्लांट वाला एरिया है भाई BSP। भाई साहब इतना ज़्यादा डस्ट धूल निकल रहा है ना ऊपर से उसका, जो बहुत ख़तरनाक तरीके से पॉल्यूशन होता है। लेकिन तो हमारे
भैंस लोग भी इधर बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आए। तो कैसा लगा आपको, बताना चाहेंगे कि आप गुस्सा हो जाएंगे मेरे से? मेरे को बहुत डर लग रहा है ऐसे रिपोर्टर बनने में, ज़्यादा होशियारी नहीं मारने का, लेकिन तब भी पूछ लेता हूँ। तो भैंसा सूर जी, आप बताना चाहेंगे कि ये एरिया आपको कैसा लगता है? नॉट इंटरेस्टेड? अरे भाई, तो चलिए आगे चलते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। तो बताना चाहेंगे पहली फुर्सत में निकल। नहीं भाई, इनसे नहीं पूछ सकता, बहुत डर लग रहा है। हो तो भाई साहब, आज का न्यूज़ बस यहीं पे था, क्या है मेरी फट रही है, तो न्यूज़ रिपोर्टर वाला काम मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी भैंसासुर महाराज जी से, लेकिन इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो फिर चलो आगे चल के और किसी से पूछते हैं कि और कुछ जगह है क्या यहाँ पे। कहे यार, आप लोग बताते नहीं हो यार भैंसासुर महाराज, मैं जा रहा हूँ दूसरे से पूछ लूँगा, बहुत भाव खा रहा आप लोग। किसी भाई ने बताया था कि इधर ऐसा वाला जगह है, थोड़ा सा पानी टाइप नहीं, पता नहीं किस टाइप का जगह है, एकदम पतला सा पट्टी का बना हुआ ब्रिज है करके बताया था। अरे बाप रे, यहाँ पे क्या हो? अरे अरे यार, तो कांटा वाला है। अरे भाई साहब, दी ये भी कांटा है। हटो, ये कैसे गिरा होगा भाई? ऐसा लग रहा है हाथी ने आके इसको गिरा दिया। मैं तो मजाक कर रहा था। देख के लग रहा है आप जो कोई भी काम करने के लिए आता है वो लेके जरूर आता है, जो फिशिंग वाला रॉड रहता है उसको। ये देखो, मैं तो भिलाई में इधर मरोदा वाला डैम फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। सब लोग को पता ही होगा, आप जितने भी मेरे भाई लोग भिलाई से हो, क्योंकि आप बहुत सारा कमेंट मेरा आया था कि भिलाई से हैं हम लोग। नहीं भाई, रास्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या पता इधर से रास्ता हो। क्या ये पाइप यही रास्ता है? दे देते हैं। नहीं है, नहीं है। अच्छा, मिल गया हमें, मिल गया। अरे भाई, ओ भाई, इसी पुल की तो बात हो रही थी आई थिंक, हमें ऐसा लगता है। नहीं, मैं पहले रिस्क नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास एक ही बाइक है। तो पहले आप टेस्ट करके आइए सर, क्या हम वहाँ से ज़िंदा वापस आ सकते हैं? तो आऊँ मैं। ओके, तो बहुत ही सोच समझ के ऐसे जगह में जाओ भाई, जब भी जाओ। क्या है इधर, मेरे को लगता नहीं है कोई आता होगा, आता भी होगा तो फिर बताना आप। अरे भाई साहब, क्या बढ़िया जगह है, ओहो बहुत बढ़िया लग रहा है ना। खैर, अच्छी जगह पे आ गए हैं भाई हम लोग, ये पिकनिक स्पॉट है। अरे भाई, ये तो पिकनिक स्पॉट टाइप लग रहा है, बहुत ही अच्छा जगह लग रहा है। देखो यहाँ पे तो पानी जा रहा है। हाँ यार, एडवेंचर थोड़ा सही था। अरे भैया, ये मरोदा डैम कहते दहाने जी, कट्टी हावे जी, नहीं जाना जी, मैं बता के जाना जी, डोकरा कैसे करता जी, ये डोकरा बिकट भाव खाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आगे और अच्छा जगह है, चल देख लेते हैं। हो, तो कुछ जवान लौंडे लोग यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं। ओ भाई, तो मैं थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करके आता हूँ कि वाकई कुछ है इधर। अरे भाई, ऐसी जगह में तो गाड़ी चलाने में मेरे को मज़ा आता है। अरे भाई, देखा, इसीलिए मैंने R15 को नहीं लाया। ओहो, यहाँ पे आती तो फिर फंस जाती भाई अपनी R1। अरे भाई, आह, लेकिन जो भी है भाई, बढ़िया जगह। अरे बाप रे, इधर तो बहुत ही खुला खुला मैदान है। चलो अब यहीं तक रखते हैं थोड़ा, अब वापस जाते हैं, मज़ा करते हैं। अरे बाप रे, जगह तो अच्छी है, बेशक अच्छी है। किधर से है यार रास्ता बाहर निकलने का? उधर ही फिर वापस जाना पड़ेगा ना। कहाँ जा रहे हो वैसे? हम लोग को रिसाली जाना है, भिलाई का। रिसाली तो जहाँ से आया हो ना। हाँ, पलांत से सीधा जाना। हाँ, कहाँ से सीधा? ये है ना। हाँ, जो अभी ये रास्ता, ये उधर से। हाँ, सीधा जाना। हाँ, फिर बापी चौक है ना। हाँ, राइट घूमना। हाँ, राइट उसका सीधा जाना। ओके ब्रदर, थैंक यू। अभी उसके आगे पूछ लेना। हाँ भाई, थैंक यू ब्रो, कितना बढ़िया रास्ता बताया, मैं तो फैन हो गया उसका। अरे बाप रे, अब मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई ये। अच्छा, तो ये है रास्ता। ओह, अरे अच्छा, तो अपन BSP के पिछवाड़े में निकले हैं।
अब मुझे समझ में आया कि हम किधर से आए और किधर से गए थे और किधर से वापस आ गए। मरोदा गेट आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलिए देव जी चलते हैं, ज़्यादा देर यहाँ रहेंगे तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हम लोग जिंदा रहने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, डरता थोड़ी हम। चल झूठा, बहुत सारा गाड़ी खड़ा हुआ है, मतलब बीएसपी में जाने के लिए ही बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं। किंग ऑफ रोड ट्रक। ओहो, इन लोगों को देख के मेरे को डर लग रहा है, मैं उधर से नहीं जाऊंगा यार। अरे बाप रे भाई, आंटी यार तो राइट देख ही नहीं रही थी आंटी। तो भाई साहब जस्ट अपन अब रूम पहुंचने ही वाले हैं, तो फिर जिनको भी ये व्लॉग अच्छा हो लगा होगा प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें और जल्दी से अपने भाई को और आगे बढ़ाएं। हाँ, जो जो भी अपने भाई लोग भिलाई से, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे भिलाई में और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्योंकि मेरे को अच्छा भिलाई के बारे में कौन सा टूरिस्ट प्लेस है मुझे नहीं पता है भाई, अभी बता देना भाई कमेंट करके। आप लोग जहाँ भी बोलोगे मैं ज़रूर जाऊँगा। क्या है, मैं अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा सा बिजी रहूँगा, तो फिर यूट्यूब में अभी आना मतलब व्लॉग बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन जब भी आपका भाई कोशिश करेगा उसका टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन बस एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना भाई, जो भी हमारे चैनल को देखता है प्लीज़, क्योंकि वाकई जो यूट्यूबर लोग बोलते थे ना भाई साहब की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स, ऐसा मैं जब देखता था ना दूसरे का चैनल को, तब मेरे को जब ऐसा बोलते थे ना तो फिर उतना नहीं लगता था, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ ना अपना खुद का चैनल में, जब आप लोग का इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट आता है ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं, एकदम दिल खुश हो जाता है भाई। तो फिर ऐसी कमेंट करते रहना अपने भाई को, मतलब ऐसा पता होना चाहिए कि आप लोग मेरे से कितना प्यार करते हो भाई। थैंक यू भाई लोग, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर चलो मिलते हैं ऐसे किसी और नए अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।